दर्ज करने को लेके दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर आप वो महिला जो महिलाएं हैं यहाँ पे, उनका कहना है कि ब्रिजभूषण के ऊपर जो है मंत्री है उसके ऊपर FIR होना चाहिए यौन शोषण मामले में। लगातार दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने तमाम लोगों जो है उनकी जो महिलाएं की मांग है इनसे बात करेंगे। बेटा क्या मामला है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए तो दिल्ली पुलिस गुंडों को संरक्षण दे रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट का बात का दिल्ली पुलिस नहीं मान रही है? नहीं मान रही है, इसीलिए तो प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये ब्रिजभूषण के खिलाफ क्यों FIR दर्ज कर रहे हैं? देखिए बीजेपी पे लगातार हमला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी जो महिलाओं का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण जो मंत्री है खेल मंत्री उसके ऊपर FIR लॉन्च नहीं की जा रही है और उसको हिरासत में नहीं लिया जा रहा है, जिससे गुस्साए महिलाएं जो है पूरा वहाँ पे जो वहाँ पे ले जाके इनको छोड़ा जाएगा और तमाम महिला जो है अपने पीछे चल सकते हैं। महिला के बाद क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांगे हैं? जी 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 न्याय चाहिए हमें। मोदी सरकार जो इतनी महंगाई करी हुई है उन्होंने जगह जगह पे रोजगारी है, रोजगार दो और नारियों की सुरक्षा दो। क्या मांगे थी आपकी? बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना झूला है। ये सरकार सिर्फ बेटियों को हरस करने वाले माफियाओं को ब्रिजभूषण सिंह जिसके ऊपर 7 महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है, बॉक्सों के भी एलिगेशन है, लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई है। प्रगतिशील महिला संगठन और तमाम दिल्ली के महिला संगठन आज यहाँ PHQ पर प्रदर्शन करके मांग करने आए हैं दिल्ली से। जिस तरीके से आपने सुना, यानी तमाम महिला जो वर्ग की लोग हैं, जो NGO से आए हुए हैं, नारी शक्ति से आए हुए हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, यानी दिल्ली पुलिस हाई हाई के जो नारे लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद भी जो महिलाओं का कहना है कि FIR लॉन्च नहीं हो रहा है मंत्री ब्रिजभूषण सिंह के साथ, दिल्ली।